नागपुर के इतिहास की शुरुआत होती है 1706 से, जब गोंड राजा बख्त बुलंद शाह ने नागपुर को एस्टैब्लिश किया था। पर इस इतिहास के साथ चर्च का भी इतिहास जुड़ा है, जो कि 1800 से शुरू होता है। Which means, नागपुर के एस्टैब्लिश होने के 100 साल बाद नागपुर के चर्च के इतिहास की शुरुआत हुई। Well, on that note, let's explore the history of Nagpur Church in this little series. Welcome to Immaculate Conception Church, Kamti. इस साल जब हम International Synod मना रहे हैं, so it is important that Communion, Participation और Mission, इन तीनों pillars को हम इस चर्च के जरिए मजबूत करें। Kamti को Central India Church का cradle कहा जाता है, इसलिए इसके सुंदर इतिहास को explore करना बहुत जरूरी है। यहाँ का हर एक मॉन्यूमेंट, चाहे वो फातिमा का स्टैचू हो या फिर यहाँ के छोटे से छोटा फर्नीचर, बहुत कुछ बयां करता है। यहाँ पर 1821 से लेकर 1846 तक मिशनरीज गोवा, पुणे, मद्रास, मैलापुर से आते थे। 1842 में यहाँ चर्च में एक चैपल बना। उस समय फादर लैबोरल उसके इंचार्ज थे। फिर उसके फर्स्ट विकार अपोस्टोलिक राइट रेवरेंड थियोफिलस नेरे थे। इन्होंने इस चर्च का भव्य निर्माण किया। ये चर्च सेंट्रल इंडिया, अमरावती, औरंगाबाद, चांदा, अदिलाबाद, जबलपुर, खंडवा एंड रायपुर सबके लिए मदर चर्च है। दिस सीनिक ब्यूटी एंड होली एम्बियंस अपने आप में देखना बनता है। इस चर्च की हर एक नींव, रंग और बनावट अपने आप में अनोखी है। पता है ग्लोरिया, ये जो स्ट्रक्चर है ये गॉथिक स्टाइल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बॉयज विदाउट माइंड वहां तक ट्रैवल करती है, मतलब ऑल्टर। ये बिल्डिंग भी काफी पुरानी है, जो समय समय पर कभी बोर्डिंग रही, कभी हॉस्टल और अभी माइनर सेमिनरी के रूप में सामने खड़ी है। इस पैरिश हाउस में न जाने कितने असंख्य बिशप और कमिटेड मिशनरीज रह चुके होंगे। इस पैरिश हाउस में जितने भी फादर्स ने काम किया है उनके नाम यहाँ पर दर्ज है। ये जो कॉन्वेंट है ये भी उतना ही पुराना है जितना कामटी का चर्च है। That means 167 years. अगर आप इस कॉन्वेंट को बारीकियों से देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर जो है फ्रेंच है। इसके जो डोर्स है, टाइल्स है और जो विंडोज है ये सब फ्रेंच स्टाइल में बनाया गया। चलिए इस सिनोडल जर्नी को जारी रखते हुए इस ब्यूटीफुल कॉन्वेंट को एक्सप्लोर करें। लेट्स गो।
सिस्टर पूर्णिमा से जो इस कॉन्वेंट की सुपीरियर है, वो हमें हेल्प करेंगे इस कॉन्वेंट को एक्सप्लोर करने में। सिस्टर, हम आपके इस ब्यूटीफुल कॉन्वेंट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। कम, आई शो यू ऑल अराउंड आवर कॉन्वेंट। ये जो स्टेप्स है ये फ्रेंच वुडन स्टेप्स है और इसे कभी मरम्मत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये फ्रांस की बेल है जो आज तक सिस्टर सुपीरियर की बजाती आ रही है। ये जो छोटे छोटे केबिन्स है, यहाँ पर मिशनरीज रहे होंगे। इसके स्ट्रक्चर की खास बात ये है कि यहाँ का मैक्सिमम स्ट्रक्चर वुडन का है। ये जो स्टैचू है ये 150 साल पुराना है, जो कि शुरुआती मिशनरीज जैसे मदर सेंट जॉन बोआसा, सिस्टर मारी अल्फांस एंड सिस्टर अर्सुला इन लोगों ने लाया था। यहाँ पर बहुत सारी एंटीक चीजें हैं जो फ्रेंच मिशनरी से जुड़ी है। ये फादर जॉन मेडाई जेजुइट है जो सिस्टर्स के फाउंडर है। ये सिस्टर का चैपल है, इसमें सेंट जोसेफ सिस्टर्स ने शुरुआत से अभी तक प्रार्थना किया है। ये भव्य सेंट एंथनी का स्मारक काफी मिराकुलस रहा है और इसके साथ इस कामठी के सुंदर मिशन इतिहास की जर्नी यही समाप्त होती है। और हमारे इस सिनोडल जर्नी को जारी रखते हुए मिलते हैं अगले मिशन व्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।